और चाय दूं? नहीं, काफी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम पुत्र। अरे पुत्र, तुझे पता है तेरी खाला जुबैदा ने ना कल घर में दुआ रखी है और मैं भी ना पीर साहब के मजार पे मन्नत मांग कर आई हूँ। पर अम्मी जी, परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है ना बेटा, दुआओं में भी बड़ा असर होता है। सही है। कल के मैच का ज्यादा प्रेशर मत लेना तुम, और ये हुक शॉट खेलते हुए अपना टेंपर मत लूज किया करो, ध्यान से खेला करो। जी अब्बा जी। और नजर मोहम्मद साहब ने इस मैच के लिए खास कर दुकान पर नया टीवी लगवाया है, आधे सियालकोट को उन्होंने अपने वहां मधु किया हुआ है। चाचा जी भी बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं वैसे। बहुत मिस करूंगा। बस ये बताओ, हो गया पैक? फोन पे फोन आ रहे हैं यार। जानती हूँ कितना याद करोगे मुझे। मैं तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो याद करूँ, हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छा, तभी लेडीज इनक्लोजर के सामने फील्डिंग करते हुए 32 निकली हुई थी तुम्हारी, है ना? मुझे मेरा कैप्टन है ना, वही खड़ा करता है मुझे वहाँ पे। वो कहता है मेरा सबसे गुड लुकिंग बंदा वही खड़ा होगा। बस वैसे भी जिस लड़की को देखता हूँ मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आती है। अच्छा, वो डैडी का फोन आया था, वो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊँ, फिर मैं वहीं से तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊंगी। हाँ प्लीज। ओके। तुम्हें पता है डैडी और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पिछले मैच में तुमने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। कम ऑन यार, मुझे पता है तुम्हारे डैड मुझे कितना पसंद करते हैं, छोटी तारीफें नहीं करो मेरी। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है अकबर। तुम्हारे डैड 40 साल में नहीं बदलेंगे मेरी गुड्डी। ओए, तुम्हारी बातें सुन रहा है छोटू? सो जा। One scotch with water. तू क्या लेगा? Orange juice. Orange juice पिएगा? क्योंकि शायद तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। Orange juice. भाई कल मेरा फाइनल है, कुछ तो ख्याल कर। तो जानता हूँ फाइनल तू ही जीतेगा। मैं एक मिनट शेख साहब से मिल के आ रहा हूँ। यही रहना। We have to leave early. हाँ, I know. बंदे को अजर मजीद कहते हैं जी। आपसे पहले भी बात हुई थी, साउथ अफ्रीका वाली बुक, पिछली सीरीज में भी आपसे कांटेक्ट किया था। कल के मैच का भाव बहुत ऊपर है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। अगर एक मैच फिक्स हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है?
गुम या शेख, शबाब, शेख गुम या शेख, शेख याला गुम, हाँ खली माँ, जी माँ, कहाँ है, या शेख, कहाँ ले जा रहा हूँ मुझे, याला, खुश है ना, वो सभी तब्दीश मिया फिल मिया, सभी तब्दीश मिया फिल मिया, खुश है ना, खुश है शेख, खुश है ना, याला शबाब क्या बात? चाचा टीवी लगाए तो अच्छा। ने अपनी हिरासत में ले लिया अकबरदीन को होटल के कमरे में मनुष्यात के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर अकबरदीन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच हार गया बल्कि मुल्क भर में मौजूद क्रिकेट के लाखों शायकीन के दिल भी टूट गए। इस वाकये से दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। उधर दुबई पुलिस भी अकबरदीन से मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। Where did you find this drug? How did you find this drug? I don't know. I want to know. I want to know. Who is your boss? No, what? Who is your boss? Answer me. Kasar Ras bade kalima da Pakistani. Kasar Ras. नहीं चाहिए जानते हैं मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हूं। तुम्हें यहां आने की इतनी जल्दी थी? तुम जैसे अपस्टार्ट लोगों का यही तो मसला है। जहां थोड़ा सा पैसा देखा, थोड़ी सी शोहरत मिली, अपने आप से बाहर हो जाते हो और इवेंचुअली तुम लोग ऐसी जगहों पे आके एंड करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पेपर्स हैं, इन्हें चेक कर लेना। ये क्या है? डाइवोर्स डीड है। मेरी बेटी सारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और उसने साइन भी कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है। जब शौहर दुनिया के सामने मुंह काला करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर वो आपस का मामला नहीं रहता। आप मेरा घर तबाह करने की कोशिश नहीं कर सकते। मेरा घर तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुमने मेरी अकलौती बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। देखिए, ये लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं, अभी मुझे निकलना है यहाँ से। अब सारा और मिकाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मिकाल मेरा बेटा है। था। मिकाल तुम्हारा बेटा था। आज से वो मियां आसिफ कुरैशी का नवासा कहलाएगा। बस ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिकाल को इतना दूर ले जाऊंगा कि अगर गलती से भी उसे अपने बाप का ख्याल आए तो वो उसे बहम लगे, समझे? रुको, ये जुल्म है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। Come on now!
किन्ना स्कोर खाओगे तुसी? ओ आखरी ओवर बचा लो, सारा स्कोर करना पड़ेगा। ओ मैं कितने जाऊँ? ओ मैं मार गया, ओ मैं तो, ओ मैं तो क्या? सर जी तुसी मार गए तो मेरी पेमेंट मार जानी जे। अब बकवास ना करे। ओ आओ, ओ कुत्तों से डरने वाले शेरों आ जाओ। बैटिंग वक्त पहुंच जाएगा। ओ ते मैच के दौरान कितने दफा हो गया हो? ओ जी टक्कन कटे करने शादी में गया जी। ओ केड़े टक्कन है? ओ यार शाहिद तेरी मेहरबानी चल यार। ओ यार मजा आ लगे किसी टक्कर में से भी कुछ निकल आए। ओ यार शादी हॉल से लेके होटलों तक सारे पेप्सी के टक्कर खोल लिए और लेकिन तेरी स्कीम का एक भी टक्कर नहीं मिला। ओए मिलेगा मिलेगा वड्डा आया नवाबजादा। ओए बस कर दे। ओए भाई काशी भाई तू क्या कर रहे हैं? मलिक साहब बुला रहे ने, 106 आउट हो गए ने। ओ यार 106 विकेट लूट गए। ओ तू चल। ओ शायद 106 विकेट आउट हो गए यार। चल मेरा ब्रा हो चल। ओ चल यार। यार 2 मिनट साथ वाले शादी हाल से भी जरा चेक कर लेते हैं। मैं बोतल पड़ के ना अपने सर फाड़ ले रहा हूं। चल यार। यार चल ठीक है चल आ जा अब। मलिक साहब 20 रुपए में मुझसे क्या क्या करवाएंगे आप? अच्छा लिखी ला ली। आहा साडे लोकल शाहिद अफरीदी साहब तशरीफ ले आए। हाय हाय मलिक साहब कसम से जब भी आप मुझे शाहिद अफरीदी कहते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये शाहिद अफरीदी से मिलने वाला टक्कर मिला तुम्हें? किथे टक्कर का ख्याल कर लो और मैच जीत लो। मेरे माठे हो मैच जीतो। मैच जीत लो यार मेरे भी 20 रुपए फंसे हुए हैं। अच्छा जी हाँ जी लो जी फिर होने लगी है बूम बूम। ये तुम्हारे और ये तुम्हारी मैन ऑफ द मैच के ठीक है? मलिक साहब मैन ऑफ द मैच के तो पूरे 1000 रुपए दे दे, उसमें से भी 500 रुपए काट लिए आपने। ये जो पैसे कटे हैं बेटा ये क्लब में लगेंगे स्वीटू। हमेशा याद रखो खूद ही मिट्टी खून ही लग दिए। मान ना मान ऐसे जूस ही तो क्लब का हाल है। छोड़ ना काशी ऐसा तो पहले भी होता रहा। ओ शान दी नई फिल्म लगी है यार आज चल के देखना। दौड़ दौड़ के आने दौड़ जा। तू जा मैं घर जाना। ओ मेरा शून्या अपली चुड़िया लेनी है चुड़िया लेनी है। तू तो जानता है ऐसे मौके के इंतजार में रहता हूँ मैं। ओ शहजादा है तू। ओ वैसे वो वसीम अकरम की जगह शुएब अख्तर ही कह सकता था। अच्छा काली आंधी कहता तो है तुझे। ओ चुप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल? मैं ठीक हूँ। ले भी सलमा इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ ना कि तेरी टी के पांव ही खुल जाएंगे। नौकरी पक्की है ना? हाँ हाँ तुझे तो पता ही है कि सोरा ने कभी कच्ची नौकरी वालों को मुंह नहीं लाया। सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ओ खाला सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसा है तू? मैं ठीक। सुना मैच कैसा रहा? अम्मी मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच। ओ जिंदा रहे जिंदा रहे। देखिए मैं तो कहती हूँ कि इसको भी किसी चंगी जगह पर सेट करा दे। मैं इसके लिए भी कोई सोनी मनमोनी सी ढूंढ कर लाऊं। ओ खाला खुदा के लिए मेरी अभी शादी में बड़ा टाइम है और वैसे भी अभी मुझे टीम में जाना है, लो, है ना? कर लो गल। पागल जी बाजी देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। शाहद तू सारे पैसे चूड़ियों पे खर्च कर देता है। तू मेरी पैन है पैन पे तो खर्च करता हूँ और वैसे भी तुझे पसंद तो आती है ना। हाँ लेकिन अच्छा भाजी
ऐते मैनू दसो ये खाला चुगला कब से आई हुई है? शाहद मजाक कर रहा था। वैसे ये रिश्ता तुम्हें कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा है शाहद? चल जा लेके जा, चल। देख सलमा, रिश्ता बहुत चंगा है, तू ये हाथ से ना जाने देना। जी बस तूने ना मुंडे को कमरा ही सजवा कर देना। जी हाय हाय, ये टीवी, एसी, फ्रिज और पलंग, आखिर को ये चीजें हमारी आयशा के काम ही तो आनी है ना। और साथ में लाख दो लाख थमा देना ताकि मुंडा अपना कोई जाती कारोबार भी शुरू कर ले। आपा तन तो पता है मैनू फैक्ट्री तो किन्ने पैसे मिलते ने, और आशी दे सिलाई कढ़ाई दे पैसे होंदे ने। बस मेरी बात सुन, तेरी धी के हाथ का भी मसला है। बड़ी मुश्किल से मैंने मुंडे वालों को राजी किया इस रिश्ते के लिए। जी अब कह ना उसके प्यो को भी कि वो भी कुछ हया करे ना, उसका तो अपने शुगर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती। जी चल मैं अब जा रही हूँ, उनके साथ ही आऊंगी तेरे घर अब। ठीक है, चंगा फिर। ठीक, रब रख। रब रख। मुझे नहीं करना व्याशा, ये मुंह पर पर के पैसे मांगते हैं लोग, हया भी नहीं आती लोगों को। बेचारी औरत फैक्ट्री में काम करती है, कहां से कमा के लाएगी पैसे? बाजी तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो हूं ना। लेकिन ये हाथ, इससे तो बेहतर ही हाथ नहीं आता। अरे ऐसा ना करो बाजी, ऐसा ना करो। तुसे मैं तंग आ गई इस मजदूरी से। बाजी ठीक ही तो है, लोगों को क्या मालूम कि तुम सारा कार का काम कर लेती हो। लोगों के तो मुंह से निकल जाता है, और जिनके हाथ है वो लोग भी तो बेकार ही बैठे होते हैं ना। वे हैं शायद। आया अम्मी जी। जा पत्ती ले के आ। अच्छा जी। बाजी मैं जरा जाके पत्ती ले आता हूँ, वरना पट्टी साहब आ गए ना तो उनकी चाय के लिए पत्ती नहीं होगी। ओ तू फिक्र ना कर, अब्बा जल्दी नहीं आएगा, शेरे का मुकाबला है ना आज। मेरी जान, मेरा चन है। पट्टी साहब, आपा सुहराई सी कह रही सी कि वो मुंडे वाले मन गए ने, मुंडा रेलवे च मुलाजिम है। कह रही सी कि एक कमरे का समान देना होगा, ते होर 2 लाख रुपया चाहिए। याद आया, करमाली को 200-400 रुपया दे दे, मेरे शेरे आस्ते पिस्ते तो बदाम खत्म होए ने। तुसी सुनिया नहीं मैं तन की क्या है? मैं तनु तड़ी ती दे रिश्ते बारे गल कर रही हूँ। ओ सुन लिया ना, होर की कहां, गुर्दा बेच दिया अपना। जाके अपने फैक्ट्री वालों नु पूछ जे कोई कर्जा वगैरह दे दें।
इन्ने पैसे किन्ने देने ने? दे भी दिए तो वापस कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब किधर? प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह, मैं जनाब नू शायद अफरीदी आखा के शायद पट्टी साहब। वैसे सूट तो अफरीदी करता है। मैं जुत्ती मारनी है खिंच के तेरे मुंह ते। ओए बाले को होटल दे काम करने वास्ते क्यों नहीं गया? गया था वहां, उसने खाने के ऑर्डर लेने वाली टेबल पे बिठा दिया था मुझे। मैट्रिक पास एथे वजीर आला लग जाएगा? पता नहीं जी, वैसे वजीर आला दी रिक्वायरमेंट मैंने कभी चेक नहीं की। बकवास बंद कर, प्यो जी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप जो करते हैं वो क्या है? वो हमारा मजाक उड़ाना नहीं है शेद। मैं तेरा मुंह तोड़ देना ही। कार में एक जवान बेटी बैठी है और आपको इससे ही फुर्सत नहीं है? शेद चुप कर जा शेद। नहीं अम्मी जी नहीं, जरा इनको भी तो सुनने दें कि हम किस हाल में बैठे हैं। एनु चुप करा ले सलमा, मैं तेनु कह रही हूं। ओए शायद चुप कर। अम्मी 10-10 घंटे बैठकर मशीन के सामने काम करती है और बाजी सलाई कर करके आधी हो गई है और आप उसको बादाम खिलाने के लिए पैसे चाहिए? इसकी तो मैं अल्लाह के वास्ते चला जा। ये तो कोई मेरे शेरे दे बारे में गल की थी थे। जितना मानना है मान ले, लेकिन कसम खुदा दी जितनी शेरा मुझे अकेला मिल गया ना खींची मरोड़ दूंगा। आपका सारा दूर हम पे चलता है। अल्लाह के वास्ते जा शायद। जाता हूँ बाजी जाता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ना छोड़ा क्योंकि मेरी सारी फीस मेरी बाजी देती थी, समझे पट्टी साहब। अल्लाह करे इस पट्टे का हाथ फेल हो जाए, बेड़ा कर खोजे इसका। बस जवान औलाद दे हाथ चुक दे पट्टी साहब। ओ चल छोड़ना ही है। कैसे छोड़ दूं? मार मार के कमीज पाड़ दी है। तुझे शेरे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। एक बटे रही तो है, कोई पीर साहब थोड़ी ना है। जिसे कुछ कहेंगे तो गुनाह मिलेगा। इतना तो कोई सोतेला बाप भी नहीं मारता होगा अपने बच्चों को। वैसे कहते तो सही है तेरे अब्बा, सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, पैसा एक भी नहीं कार लेके आते। वो दिन भी आएगा, तू बस एक बार अपने पाई नू टीम भी चा लेंदे, फिर देखना तेरा पाई भी इसी तरह बोर्ड पे लगा होगा। इसको तो बी बैंक ने उठाया, तुझे तो अल्लाह ही उठाएगा। अल्लाह तो उठाएगा मगर ये लोग भी उठाएंगे। तेरा भाई सिटी कप में ऐसी परफॉर्मेंस देगा, ऐसी परफॉर्मेंस देगा, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सियालकोट की टीम में आने से। ओ मेरे सोने, टीम में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, अगर हम इस बार का टूर्नामेंट ही जीत लें तो कितनी देर लोगों की नजरों से बचेंगे? पिछले साल जो क्लब कप जीता था उसकी परफॉर्मेंस में और हमारे क्लब की परफॉर्मेंस में तूने फर्क देखा है? तो हम मेहनत करेंगे, और वैसे भी परफॉर्मेंस कोई आसमान से नीचे नहीं उतरती। ये बात मलक साहब को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा, तू चल। नहीं? हाँ हाँ उठ यार, चल खोल तो जा, उठ यार, एक मिनट जूती तो पहन दे यार, जल्दी चल 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 चल। बंदा पूछे मलक साहब आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया? बूटे गुज्जर को आम आदमी ना समझो। लेकिन उन्होंने मार कुटाई क्यों की? उसकी बीवी को छेड़ा था मैंने। कब? अब मैं शक्ल से तुमको ऐसा लगता हुआ है? 18 लाख रुपए देने थे उसके, टैक्स काट के बता रहा है 20 लाख देने ने। 20 लाख? हाँ, 4 साल पहले लिए थे, अब तो उसने फट पड़ना है ना। मगर मलक साहब 20 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो पुत्र क्लब जेड़ा है ना और मुफ्त में नहीं चलता। और मेरी बीवी सही कह रही थी कि पुराने असासे बेच के जान छुड़ाओ, हर उसकी बात मैंने मानी, ये नहीं मानी मैंने। जान छूट जाएगी जब बूटे गुजर ने कब्जा किया ना ग्राउंड पे और दफ्तर पे। क्या मतलब? मतलब उसने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो ग्राउंड भी मेरी तो दफ्तर भी मेरा। हैं जी,
यहाँ क्यों बैठा है? बुखार हो जाएगा, चल नीचे चल। काफी अरसे बाद बारिश हुई है, सोचा थोड़ा मजा ही ले लूं। मजा ले रहा है कि आंसू छुपा रहा है? काशिफ आया था मेरे पास, सब बता दिया उसने मुझे। पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अल्लाह एक बुआ बंद करता है ना, तो 100 खोल भी देता है। देखना जब उसने देना है ना, तो ना वक्त देखना और ना बंदे को देखना, सारे रास्ते खोल देने। मगर इधर सारे रास्ते ही बंद हो गए। छोड़ सारी बातें, चल खड़ा हो, चल उठ, उठ भी, चल नीचे चल के मुझे बता कि कल कौन से कपड़े पहन के जाएगा, मैं इस्त्री कर देती हूँ। आजा शाबाश। ओ क्यों ए? ओए अब क्यों आए हो? इकबाल साहब मुझे यहाँ काम करना है। ओए अकल ठिकाने आ गई तेरी, ओए अब मैच नहीं खेलना? नहीं जी। ओ वड्डा शाहिद अफरीदी, ओए काउंटर पे बैठना है तूने, और खबरदार जो अगर तूने कोई मैच लगाया तो, यहाँ पर सिर्फ एक चैनल आता है, वो भी न्यूज। चल जा टेबल से ऑर्डर ले। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। चल सही है। वसीम ये रोटी इन लोगों को दे, वो क्या करता है यार? क्रिकेट के दीवानों के लिए वो घड़ी आ गई है जो उनके ख्वाबों को देगी हकीकत का रंग। क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का पहला अंडर 19 T20 कप, जिसमें जीतने वाली टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। क्रिकेट के मैदान में अपनी महारत साबित करने का ये है एक सुनहरी मौका। वो किथे गया शायद, उन्हें ढूंढो किथे। मैंने इश्तिहार पढ़ लिया था यार। तो मलक साहब सोचना क्या है, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा ये क्लब बचाने का? और तू पागल हो गई? और बड़े हाई लेवल की क्रिकेट होगी, हाई लेवल की। अरे हमने कौन सा तलवारें लेके मैदान में उतरना है, हमने भी तो क्रिकेट ही खेलनी है ना। मैं तुम्हें समझाता हूँ, और पहले हम लोगों ने सियालकोट के क्लबों को हराना है, और अगर ये हो गया तो फिर 12 टॉप क्लास के क्लब है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है। ओ यार मलिक साहब, हम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ आई? बगैर खेले कैसे कह सकते हैं मलिक साहब के मुकाबला नहीं हो सकता? अभी तुमने बड़े शहरों की टीमें देखी नहीं है, और यहाँ सवाल है 5 करोड़ रुपए का, समझ आई? ऐसे ऐसे पाए के खिलाड़ी है कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। वो हमारी आधी टीम जो है वो चप्पलों और पाटे पजामों वाली है। कितने मैनू बख्शते हो यार, मैं बस इस पंगा ले ही नहीं सकता। असल में हम लोग पंचर हो गए यार। अच्छा ओ ये की करन दिया है? ओ शायद है ओ बेनू किथे ला तले है? मैं बड़े मलिक साहब की तस्वीर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने क्लब बनाया था ना, तो ये नहीं सोचा था कि ये हारेंगे या जीतेंगे, और हार जीत का फैसला तो खेल के ही होता है ना सर। और अगर इस क्लब के मुकद्दर में उस बूटा गुजर की भैंसों का तबेला बनना लिखा है ना, तो बने, लेकिन कम से कम इस जिगरे वाले बंदे की तस्वीर के सामने नहीं। शायद शायद खो जा, शायद 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 की कर रहे हैं यार, हट जा। अल्लाह अल्लाह, ओ प्यो मेरा सी गैर तानू आन दई है, और दोवे रल के मेरा जमीर जगाओ, और ये होगा कैसे बताओ आके? हैं आओ प्यो नु मोड़ो। ये चीज Oh,
और स्वीटू ये बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ी गेम है। क्लब तो हमारे हाथ से वैसे ही जा रहा है, क्या पता इस तरह चांस बन जाए क्लब बचाने का। ओ, इन टीमों के पास एक से एक बढ़कर प्लेयर होती हैं और हर टीम के पास एक पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है कोच के रूप में। हमारे पास तो कोई कोच ही नहीं है, हम तो पेंचर हो गए। मलिक साहब है ना जी मसला। और मैं क्लब का मालिक नहीं रखता, कोच कहां से लगूंगा? आपके क्लब से इतने लोग खेल के निकले, उनमें से किसी को रख ले। और तीन चार पुराने खिलाड़ियों से बात की थी, कोई कोच बनने को तैयार ही नहीं है। अब मुश्किल वक्त में कौन किसी का साथ देता है? मेरी बाजी कहती है जब अल्लाह मियां किसी का हाथ पकड़ ले ना, तो ना वक्त देखता है ना दिन, फिर उसके रास्ते खुलते ही जाते हैं। तो ये तेरा कोच कौन से रास्ते से आ रहा है? उससे क्यों नहीं बात करते? किससे है? वो जो गलती से पाकिस्तानी टीम में चला गया था। साढ़े क्लब का मुंडा? ओ ते बड़ी पुरानी गल है, अब काम आनेगा वो। लेकिन क्यों? वो सियालकोट के लिए कभी खेलेगा ही नहीं। मगर ट्राई करने में क्या जाता है? ओ अब मैं उसको कहां लबू यार? कल 15 अप्रैल है। कल 15 अप्रैल है। तो मैं की करा यार? बड़े मलक साहब की बरसी है। ओ पता है मिनू? किसी और की भी बरसी है। 15 अप्रैल? ओ स्वीटू, लगता है तेरा कोच आ रहा है। चाची की बरसी पे आ गया है, है? मलिक क्या हाल है तेरा? यार ऐसी भी क्या नाराजगी अपने शहर से स्वीटू? बस अम्मी के बाद 15 साल हो गए इस बात को। चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए माना हूं कि तू कोई पुरानी बात नहीं करेगा। यार एक मशवरा लेना है तुझसे। बोल। ये जो कप हो रहा है, जो जीतेगा ना स्वीटू, वो यार सुना है 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसे। हाँ अगर अनाउंस किया है तो मिल भी जाएंगे। और सुना है जो लड़का टैलेंटेड निकलेगा उसको पाकिस्तान में अंडर 19 में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी है? निकाल दे। है? अपने जहन से ये बात निकाल दे, तेरे क्लब के बस की बात नहीं है। अच्छा? जिस जिस लेवल का क्लब इस मुकाबले में होगा, तुम लोगों का कोई चांस नहीं है। लेकिन वो क्या अगर अगर आप हमारे कोच बन जाए तब तो चांस बन सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम यार अक्कू, ये मेरे क्लब के लड़के हैं, ये काशिफ है और ये शाहिद है। देखे सर जी, मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा, ये तो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएंगे। हम सारे चाहते हैं जी कि इस टूर्नामेंट में आप हमारे कोच बन जाएं। मैं मानता हूँ कि दूसरों की टीम के मुकाबले हमारी टीम बड़ी कमजोर है, लेकिन जी क्रिकेट तो बाई चांस होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमारे कोच बन जाएंगे ना तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे ना हमारी टीम में बड़ा टैलेंट है। बोल लिया। इसीलिए बुलाया मुझे क्यों? ना मुझे कोचिंग करनी है, ना मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता है। लेकिन सर, देखो मुझे नहीं पता मलिक ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, लेकिन गौर से सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूं जिससे तुम उम्मीदें लगाओ। सर जी, मलिक साहब ने बूटा गुजर के 20 लाख रुपए देने ने, पैसे टाइम पे ना दिए तो क्लब और ग्राउंड दोनों पर कब्जा हो जाएगा। मेहरबानी तुम्हारी। तुम लोग क्या समझते हो, टूर्नामेंट जीत के तुम क्लब बचा लोगे? ये तो बच्चे हैं, तू क्या पागल हो गया? कहां से लाएगा उस लेवल के प्लेयर्स? और प्लेयर्स तो दूर की बात, इस टूर्नामेंट की फीस 2.5 लाख रुपए है,
कहां से करेगा? बीबी के जेवर भेज दूंगा मैं। इसी किस्म के जाहिलपने की उम्मीद थी मुझे तुझसे। क्लब तो तेरे हाथ से जा ही रहा है, अब चाहता है कि बीवी भी जाए। बच्चों को क्रिकेट के नाम पे ख्वाब दिखाना छोड़ दे। 18 करोड़ अवाम में से सिर्फ 11 खेलते हैं, बाकी सब ख्वाब देखते रह जाते हैं। और तेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए तो इनके तो होने दे। और तू तो पेंशन हो ही गया है, इनको तो ना कर यार। और एक बात मत भूल तू, ये वसीम अकरम, जावेद मियादाद, कादिर इसी ख्वाब के सहारे ऊपर गए हैं। कहां पहुंच गए हैं वो? और तू कोचिंग कर या ना कर यार, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें तो ना तोड़ यार। मैं तो जरूर ट्राई करूंगा, चाहे बीबी का जेवर बेचना पड़ जाए या कार। और 15 मिनट से ज्यादा रुकी गया तो अपने बूढ़े बाप से तो मिल ले, जिसको ये ही नहीं पता कि वो जीते जी तुझे देख सकेगा भी कि नहीं। ओ अकबर, चार जेब बाबा भी कमाल ही है। कौन है? अपना इमाम दीन है, जिसका बेटा क्रिकेट नहीं खेलता था। अच्छा अच्छा, वो जरा पकड़ा गया था। हाँ वही यार, इस बेचारे ने भी क्या किस्मत पाई है। बस यार, जिस अकलौते बेटे ने सारे शहर में इसको मशहूर कराया, आखिर में वही इसके मुंह पर कालक मल के चला गया। बड़ा ही अफसोस होता है इसको। अब्बा जी ठहरो। इस दहलीज को पार करने की कोशिश मत करना, मर गया अब्बा तुम्हारे लिए। अब्बा मत कहो अब्बा मुझे, मेरा कोई बेटा नहीं है, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। ये लो अपने पे है, चलो जी आ जाए मलक साहब। ओ फार्म वगैरह चेक कर लिए ना? वो तो चेक कर लिया है मलक साहब, मगर पैसे? ओ पैसे है ना मेरे को? हैं। देख लो, गलत ना हो मलिक, कैच इट। तू आज तक कैच नहीं पकड़ सका। और तुझे तो पता है कि कैच के मामले में पंचर हूं मैं यार। चल तेरी टीम को भी चेक करते हैं, उनका भी तेरे जैसा हाल तो नहीं है। मतलब कोच को ये मालूमात तो होनी चाहिए ना। ये अपनी टीम कैसी है? ये पूरी तो नहीं है। और पूरे 11 ने यार की हो गया यार। गौर से पढ़, ये अंडर-19 कप है। अंडर? हाँ तो इनकी उम्रें चेक करो। अरे यार, इनके तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं पड़े। मैं टीम का कैप्टन और विकेट कीपर हूँ। ये जुबैर है, बड़ा चंगा बॉलर है जी, स्विंग का बादशाह है। बादशाह कौन कितना बड़ा बादशाह है मैं रजिस्टर में स्कोर कार्ड देख के पता कर लूंगा। और कोई काम नहीं? इस सियालकोट के वो 7 बेहतरीन क्लब्स हैं, इनमें से जो जीतेगा वही सियालकोट को रिप्रेजेंट करेगा। वो साडे क्लब जाते ना ही नजर नहीं आउंडे, इसलिए कि ये 7 बेस्ट क्लब्स हैं। जुबैर को क्यों निकाल दिया? 12 महीनों में सिर्फ 9 विकेट लिए उसने। और सर जी आजकल फॉर्म में नहीं है, सही हो जाएगा। कौन सही होगा कौन नहीं ये फैसला करना मेरा काम है। हौसला ना घटे, आखिरी पल तक
हमारे सारे बैट्समैन को छक्के मारने की बीमारी है। उतना मजा भी तो छक्के ही चाहता है यार। 11 बॉलों में टीम बाहर भी हो सकती है। हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक एंड बचा सके, जरा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेले। ओ यार ये हो जा प्लेयर में कुत्तों पैदा करा हूं। दीवारे टीम से क्यों नहीं बात करते? दुनिया में दो ही दीवारे मशहूर है जी, ओथे दीवारे चीन ते एथे दीवारे टीम। पर सीधी सी बात है जनाब, ये पैसे नहीं देते और दीवारे टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता। पैसे मिलेंगे लेकिन टूर्नामेंट के बाद। ना जी ना, शेहों का बालू, और ये डील मेरी समझ में नहीं आती। पर मैच 3.25 लाख रुपए समझ में आते हैं। फाइनल तक 13 मैचेस हैं, अगर जीत गए तो 36 लाख रुपए मिलेंगे। रिस्क है, फाइनल में पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी है? तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएंगे इसकी क्या गारंटी है? हैं आप कोच, ऊपर तबीयत के बड़े ही शेख हैं। डन डन, मैं तुम्हें नेट्स में देखने के बात करूंगा। हैं जी, तबीयत का शेख हूं पर पेशे से कोच ही हूं। तुम फास्ट बॉलर हो, ये बड़ी ग्राउंड वाले क्लब के लिए खेलता भी रहे। हाँ तो छोड़ क्यों दिया पा? हैं? वो सैब, वो मैच के दरमियान नमाज का टाइम नहीं देता था। ओ मौलवी साहब, मैच के टाइम मैच खेलो, नमाज बाद में पढ़ लो। ढेर दा काफिर बच्चा थे, गलीशा दा खर बच्चा, साफ वलार दे कार में खराब हो गलीशा। ओए खान साहब, पश्तो में क्या गालियां निकाल रहे हो? तू यार बोलो, खाना खराब नमाज के बारे में बात करते हैं। बच्चिया गलीशा करा। साहब जी, आपने बुरा नहीं मनाना, इसका भेजा काम नहीं करता। कौन बोल कर रहा? सर जी, ये जी पागल आदमी है, बॉल ही मारी जा रहा है। अभी तो शुक्र करो यार, कर नहीं कराए। ये तुम्हारा कोपड़ी तो हेलमेट ने बचा लिए, लेकिन इन चप्पलों में अंगूठे कैसे बचते हैं? खान, अगर नमाज का वक्फा मिलेगा तो खेलोगे? ओए मौलवी, शेहों का बच्चा हूँ, शेहों का हड्डियां तोड़वा लूंगा, ऊपर विकेट नहीं दूंगा। इधर आ जाओ सब, कमन कमन जल्दी, ये कल का बैटिंग ऑर्डर है। दीवारे टीन और साद ओपन करेंगे, उसके बाद जुबैर, सलीम, नवाजिश और फिर शायद। कोच में पहले नहीं जाऊंगा? रेस लगानी है कि क्रिकेट खेलनी है, तो जल्दी जाने की टेंशन है। ओ सर जी, इसमें तो बॉलिंग का लिखा ही नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, ये मैं कल सुबह बताऊंगा, आप लोग जा सकते हैं। चल यार। इधर आओ शायद। जी कोच। ये लो। नहीं कोच, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। मैंने खाने के लिए नहीं दिया। ब्रेक करने की कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस करो रेस्ट घुमा के। मगर क्यों कोच? पहला ओवर कल तुम कराओगे। मैं क्यों? तुम्हारी गेंद तेज पड़ती है लेकिन गुगली का मसला है, रिस्ट की मूवमेंट तेज होनी चाहिए। मगर क्यों, क्या हुआ? शायद अफरीदी की तरह बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करनी? करनी है जी। यार ओपनिंग में फास्ट बॉलर भेजते, तुम स्पिनर भेज रहे हो। कल देख लेना। कल देख लेना, क्या क्या देखूंगा मैं? ये समझ नहीं आ रही कि एक तो ये बॉल और ये सेब में क्या साइंस है। ये तो अब्दुल कादर से पूछो, जिसने शेन वॉन को सेब के जरिए
गूगली सिखा दी थी। ओ यार। ओए, छोड़ दे सेब को और सो जा। तुसी सो जाओ बाजी, मैं सो जाऊंगा। दो प्लेयर सर्कल के बाहर होंगे और फाइनल खाली स्वीप करने जाएंगे तो LBW का चांस होगा। लेकिन सर, हमारी टीम के कैप्टन हो या उनकी टीम के, जरा संभल के गौर से सुने। दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम भी सिर्फ 11 बॉल्स की मार होती है। चलो चलो पै जाओ मुंडियो, आजो आजो। शाहिद, अम्मा। अम्मी? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी आप यहाँ? हाँ पुत्र, मैं फैक्ट्री से नवा बैट निकलवाया तेरे वास्ते। शुक्रिया अम्मी, इतनी जल्दी क्या थी, बाद में दे देती। क्यों बाजी जी मैच नहीं देख सकते? अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल जी? अल्लाह दा शुक्र। ते तुसी आओ ना मैच देखो चल के। नहीं जी, ओ मेरी शिफ्ट दा वक्त हो रहा है, मैं ते सिर्फ मुंडे नू बल्ला देन आई सी। वैसे भी शायद ने मेनू आख्या जद तक ए टीवी ते ना आए मैं दा मैच ना देखा। अ चल यार, ओ चल। मैं चलता हूँ अम्मी, अपना ख्याल रखना, मैच शुरू होने वाला है, दुआ करना मेरे लिए। गाइस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बक अप बॉयज। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कोच साहब हैं जी? जी हाँ, मैं कोच हूँ। बोजी, सुना है आप पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते रहे, ये पुत्र शायद का कोई चांस है जी? कोच साहब देखें जी, बड़ी मेहनत की है बच्चे ने, मेरा ख्याल है आप इनको पार करा सकते हैं एक बार। देखिए जी, मैं झूठे दिलासे नहीं देता, मेरी आदत ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। इस टूर्नामेंट में आने वाली हर टीम के पास पैसा है, एक्सपीरियंस है, फैसिलिटीज़ हैं, यानी वो हर लिहाज से हमसे बेहतर हैं। हमारा कहीं से भी उनसे मुकाबला बनता नहीं है। जनाब, अगर आप बुरा ना मनाए एक बात कहूँ? जी। लेक्चर दे दिया बाजी को, है? जो सच बात थी वही बता रहा। आखिर देखिए क्या उन्होंने? कुछ नहीं। I'm not.
यार 15 साल हो गई है, निकाल से कोई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारा। पहले सालगिरह पे खत लिखा करता था, फिर बड़ी मुश्किलों से ये नंबर मिला, लेकिन आज तक उससे बात नहीं हो सकी। पापी से कभी कोई? तो तुमने अदालत से कोई रिजू किया है? पिछले 5-6 साल से इतने अदालत के चक्कर लगाए, अब तो ये भी पता नहीं चलता कि तारीख लगी भी है कि नहीं। यार वो तुम्हारा पुत्र है यार, मियां आसिफ कुरैशी का नवासा भी है। अब तो वैसे भी वो 15 साल से इंग्लैंड चला गया, पता नहीं उसको मेरी शक्ल याद भी होगी कि नहीं। मलक साहब क्यों है? जल्दी से बाहर आए, ओ मुंडे गुथम गुथा हो गए। ओ छड्डो छड्डो यार छड्डो, ओ मलक साहब छड्डो छड्ड यार काशी। ये की हो रहा है तू? छड्ड यार छड्ड, तेरा क्या मसला है? मैं तो मर्जी करूं। सर जी ये टॉयलेट बैठ के ये वाला सिगरेट पीता है। ओ तू इधर दिखा मेनू। ओए चरसड़ी सर्कट। ओ नहीं जी ये तो वो छूना काका नहीं आएगा, मैं समझ आई ना। मैंने सलीम को कई बार ये सिगरेट पीते हुए देखा। मलक साहब ये मेरा जाती मामला है। चर्स पीना कानूनी मसला है, और जहाँ तुम पी रहे थे ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कप्तान होते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम। तो फिर क्यों है? इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच का मसला नहीं है, उसूल की बात है। ओ तेरी बेहतरी लाई कैंडे ने। ओ मलक साहब अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। और तो तेरी माँ बना। मुंह ना लगाए मुझसे। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? तो और किस तरह करूँ, क्रिकेट के कोच है, हमारी जिंदगी के नहीं है। अब बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र। ओ मलिक साहब मैं इन लड़कों की तरह नहीं हूँ जो इनके थल्ले लग के रहूंगा। तो उत्ते चढ़ के रहो। अपनी बकवास बंद करते हो वरना मैं। वरना क्या, निकाल दोगे? निकालो। बॉलर और बैट्समैन के बगैर टीम चल जाती है, विकेट कीपर के बगैर नहीं चलती। जा रहा हूँ छोड़ के। ओए विकेट कीपर के बगैर टीम नहीं चल सकती, लेकिन चर्सी के बगैर चल सकती है। देखूंगा जब चलाओगे। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। अकबर साहब अकबर साहब अकबर साहब, किसी अस्पताल से आपका फोन आया। जैसे ये होश में इनको 2 पैनाडॉल और ये इंजेक्शन दे देना। जी सर। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? सड़क पर बेहोश मिले थे, वॉलेट में से एक चिट मिली जिसमें आपका नाम और नंबर था। गालिबन आप इनके बेटे हैं। जी। कुछ देर पहले इनको होश आया तो बताया कि आपको बुलाया है, तो लड़ना शुरू कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊँ तो सिर्फ तभी बुलाइएगा। आप ऐसा करें, हर आधे घंटे बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। ओके राइट सर। अब कैसी हालत है इनकी? अल्लाह ने करम किया है, बचत हो गई है, बस सिर्फ बाएं हाथ की हड्डी पे चोट आई है। दर्द बहुत ज़्यादा था इसलिए पेन किलर के साथ नींद का इंजेक्शन दिया है। आप ऐसा करें कि घर से इनके कुछ कपड़े मंगवा लें, इनको कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। ठीक है? जी ठीक है। ठीक है। मैं जाके कपड़े निकालता हूं।
सामने मेरा हाल है, मुझे हसरतों का मलाल है। ना मैं आशना किसी रूप से, ना किसी को मेरा ख्याल है। अकबर यार ये देख जरा, एदा मतलब ये होया कि चाचा नु पता है कि तू सियालकोट ही चेगा। ओ बिस्मिल्ला, आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो। अकबर साहब, आपने तो सियालकोट क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। बंदे को क्लीन गुमसम कहते हैं। सदके रोजनामा शगाफ, स्पोर्ट्स एडिटर जी, बोलिए। परसों के फाइनल मैच के बारे में आपकी क्या तासुरात है? देखें क्या होता है। देखेगा तो गुमसम, आप बस एक जुमला इनायत कर दीजिए। जुमला आप इनसे लीजिए, मेरे पास जुमले जरा कम ही होते हैं। अरे साहब, सहाफी बरादरी से आपकी ऐसी क्या नाराजगी है? उस बात को तो 14-15 साल गुजर चुके हैं।
मगर कुछ चीजें फिर भी नहीं बदली। मला खाली खिदमत के लिए हाजिर है कलीम साहब। बड़े मिजाज हैं। वैसे टीम के यही नाम छुपवाए थे ना आपने? दिखाइए। जाहिद काशिप जाहिद। हाँ यही नाम है। विकेट कीपर कौन है? सलीम छीमा पागल। वही जिसे आप लोगों ने निकाल दिया है? खबरें सब रखता है गुमसुम। विकेट कीपर मिला या खुद ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरने का इरादा है? मिल जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो ठहरे, चाय आ रही है। चाय भी इनको ही पिलाएं, बल्कि इनको तो ठंडा पिलाएं, बहुत गर्म चल रहे हैं। मलिक साहब, गुमसुम एक सच्चा सहाफी है, एक नाम लिख लो। बताइए। माइकल जोसेफ, माइकल मैग्रिड भी कहते हैं। मैं बताऊं, 2 साल पहले सियालकोट यूनाइटेड का विकेट कीपर था, आजकल फारिग है। लड़का बहुत काम का है। बड़ा नाम निकाला है आपने। कलीम गुमसुम है, मगर इतना भी नहीं कि टैलेंट को पहचान न सके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़े ही मिजाज हैं। बड़े मिजाज हैं। माइकल मैग्नेट कहाँ मिलेगा? हमें पता है पिछले क्लब ने तुम्हारे पैसे मार लिए थे, लेकिन अब मैं तमाम बातों का कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूँ, चाहो तो किसी से भी चेक करवा लो। बिल्कुल जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है। जब साइन कर रहा था ना, पैंचर ही हो गया सी में। मारने वाले तो उसके होते हुए पहले मार लेते सर, लेकिन जहाँ इतना जुआ खेल लिया वहाँ एक और सही। ट्रायल कब लेंगे? और ट्रायल का तो अब टाइम ही नहीं रहा। अब जो भी निकलेगा, मोइन खान या कामरान अकमल, मैच में ही निकलेगा सवेरे 8 बजे। देख लो, आज आपके घर के सामने मुआयदा किया है मैंने। मैग्नेट, मोइन खान ही निकलेगा। आप मुझे बता देते, मैं पिला देता आपको। आपकी नाराजगी मुझसे है, खुद से नहीं। यही समझ के पानी पी लीजिए कि मैं नहीं, एक अनजान आदमी कुछ सवाब कमाना चाहता है। सर जी, सर जी, उसे डाल दो सर जी, वो चाचा शायद मार देंगे सर जी। अब्बा, सारी दुनिया दे बच्चे खराब कर चुके ने। ओए मेरी गल कान खोल के सुन लो। नहीं मुझे नहीं, नहीं वो देना ना नु अपने कारी से। बड़ा शायद फरीदी। ओ हेलो, सुनो सारे, ये हमारा नया विकेट कीपर है, माइकल जोसेफ। सारे इसको मैग्नेट कहते हैं। हेलो। चल मिल ले सारों से। हेलो। ओए कैसा है? एकदम मैग्नेट, तू सुना? फिट। बाल तो बड़े चंगे लग रहे हैं। ठीक है भाई।
ओ मौलवी क्या हुआ? पूरे शहर में और कोई बेटा कीपर नहीं मिला था तुमको। वो तो इसको क्या है? खाना खराब काफिर है। काफिर है तो? तो? तुमको नहीं पता है? और मैच खेलना है, मिलाद नहीं करानी। मानन पपक काफिर शक्ल मिल दो। खुद एक खबर शहर होगा इस बात से तेरे की। और क्या बोल रहा है? उस काफिर का बच्चा की वजह से मैच में बरकत नहीं पड़ेगा। अब बात कर दे मोदी। मलक साहब 9:30 बज चुके हैं, हम सिर्फ 20 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हमने मैच शुरू करना है। आप प्लीज उन लोगों को जल्दी से बुला लें। अच्छा जी, अच्छा जी। मलक साहब तुसी टेंशन ना लो। और टेंशन क्यों ना लवा यार? और शायद तो चला गया और कोच भी गायब हो गया, मेनू तो पंचर ही कर गए यार। उफ, किथे जावा मैं? माशाल्लाह भट्टी साहब प्लीज। और पाही, मैंने अपना मुंडा गेंद और बल्ले के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। चंगा भला 8,000 रुपए महीने पर काम करता था वर्कशॉप में, आपके चक्कर में होर पता नहीं कितना नुकसान कर बैठेगा। अकेले बैठने के लिए अच्छी जगह, लेकिन फायदा तभी है जब इंसान के पास बहुत वक्त हो। जहां तक मुझे याद है, इस वक्त तुम्हारा एक मैच है जो तुम्हें खेलना है। चलें। कोच, वो आपकी बाइक कहां गई है? लेकिन फिलहाल किसी और के हाथ में, चलो। हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर कम से कम 170 से 190 के बीच में होना चाहिए। टीम तुम ओपन करोगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहना। ठीक है सर जी, लेकिन मेरे साथ कौन है? शायद जाएगा तुम्हारे साथ। कोच मैं? हाँ, आज कप्तान को लीड करना चाहिए। अश्के भाई अश्के। ये आपका ऑफिशियल लेटर है। इनॉग्रल फंक्शन के लिए आपको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। बाय द वे, ये सियालकोट से आपकी टीम का कोई नाम है या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? शाहीन, सियालकोट शाहीन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, सी यू देयर। अस्सलामुअलैकुम। हमने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं। मैंने कंपाउंडर से कह दिया, वो घर आके आपकी पट्टी चेंज कर देगा। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सुनो, वो घर तुम्हारी मां का है, उसमें तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा है।
वहां आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लग रहा हूं ना, है पूरा सियासतदान लग रहा है। इस्लामाबाद है आखिर। मैं होटल जा रहा हूं, ऐसा कर तू अटेंड करके आ जा। चिल कर, थोड़ी देर की बात है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द पीसी क्रिकेट टूर्नामेंट। आज आप सब लोग इसलिए यहां मौजूद हैं कि आप अपने अपने शहर के बेहतरीन क्लब से वाबस्ता है। अब आपके हाथों में अपने शहर की रेप्यूटेशन और आगे 5 करोड़ का इनाम है। शायद कितने गए यार? अगर यहां पर बिस्तर और टीवी आ जाए तो कमरा बड़ा टैट है। हाय हाय, रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। जी वो मैंने धो लिए। वाओ, जर्सी तो बड़ी अच्छी है आपकी, सियालकोट शाहीन्स। ओह, अगर टीम का कैप्टन इतना अच्छा है तो बाकी टीम कैसी होगी? हम देखे, मैंने सुना था शहर की लड़कियां खुली डुल्ली होती हैं, मगर आप तो बहुत खुली डुल्ली हैं। रियली? मुझे आपका तो नहीं पता, मगर मैं तो ये इस्तेमाल करने आया था। उधर नजर ही आ रहा है जी। क्या मतलब है आपका? देखे, आप जैसी भी है मगर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। लेडीज टॉयलेट में आप खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं। हैं, लेडीज टॉयलेट? जी, लेडीज टॉयलेट मतलब लड़कियों का वॉशरूम। हैं? लड़कियों का वॉशरूम? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। गुड लक मिस्टर सियालकोट। अब सियालकोट से आने वाला वो क्लब जिसने सियालकोट के बड़े बड़े क्लब्स को ढेर करके अपनी जगह बनाई, सियालकोट शाहीन। इस वक्त भी एक टेबल खाली है, इस्लामाबाद हंटर्स टेबल। इस्लामाबाद हंटर्स इस टूर्नामेंट का सबसे टफ कॉम्पिटिटर और सबसे महंगा क्लब है, जिसने क्वालिफाइंग राउंड में कंटिन्यू 11 मैचेस जीते और उनके आने का अंदाज भी मुनफरिद है। उठ के आ रहा है क्या? प्लीज वेलकम इस्लामाबाद हंटर्स। यार, तुझे इस्लामाबाद हंटर टीम के बारे में
वाकई कुछ नहीं पता? पिछले 15 साल में कुछ पता नहीं चला तो इसका क्या पता चलना था? लेकिन तुझे उससे मिलना चाहिए था यार, आखिर वो तेरा पुत्र है। मगर मुझे तो सिर्फ मियां आसिफ कुरैशी का नवासा लगा। ऊपर वाले के काम में बेहतरी होती है, देख ले इस टूर्नामेंट के जरिए तुझे तेरा बेटा मिल गया। लेकिन मलिक, लड़कों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ खान, हमारा कमरा बदलो यार। क्यों? काफिर है वो, हमने नमाज पढ़ना होता है। तो पढ़ लेना, वो कौन सा तुम्हें कोई रोकेगा? आपको नहीं पता इन लोगों का। सही कह रहा है सर, आपको नहीं पता हम लोगों का, आप इसे किसी और लड़के के साथ डाल दें। वो मौलवी, वो कमरे में शराब की बोतलें पड़ी हैं, बंद कर देना किधर खराब ही ना हो जाए। गलत सड़े। और वो अलमारी में बच्ची भी है, जरा ध्यान से ना ना कहीं पकड़े ही ना जाओ। अब बच्ची का नाम पूछ रहा है। बस कर दे यार मौलवी, हाथ होला रख। ओ मेरी तस्वीर ले, ओ इधर खींचो यार, किधर जा रहे हो? इधर से चल 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 मिस्टर अकबर, आपकी टीम के मैचेस का स्केड्यूल। ठीक, हमारा पहला मैच किसके साथ है? इस्लामाबाद हंटर्स के साथ है, ठीक है ना? सबका ख्याल रखेगा, खुदा हाफिज। हाय, सॉरी मैंने आपको डरा दिया। अगर आप माइंड ना करें हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी हाँ। मेरा नाम अलीना है, मैं अमेरिका में कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ, आजकल छुट्टियों के लिए आई हुई हूँ। आई वर्क फॉर अ स्टूडेंट मैगजीन और हम क्रिकेट टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं। जी जी। खाना खराब, कुछ तो शर्म करो। ओह सॉरी, मेरा मतलब है क्रिकेट कब खेलना शुरू किया? मैंने ना बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बचपन से ही शौक था? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जब आफरीदी भाई को देखा था ना तो मुझे शौक पैदा हो गया। रियली? अच्छा, घर में बहन भाई है? मेरी ना एक ये तो वाकई बच्ची है। अच्छा, वो क्या करती है? और कप्तान ने फायदा उठा लिया जल्दी आने का। आजा। नहीं जी, पर बचपन में ही हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों का मैच का रिकॉर्ड देखा था, उसमें लग रहा था कि नोबडी एक्सपेक्टेड यू गाइस टू विन। विन? गुड विन जी, गुड विन। सॉरी, मेरा मतलब था कि किसी को आपकी टीम से उम्मीद नहीं थी। हाँ, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए। आप इस्लामाबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना है जी? कोई तो पैगाम होगा। हाँ, वो बच्ची बसाली। एक्सक्यूज मी, आई लव यू बोल दे, हाथ से नहीं जाने देना। वो आर यू क्रेजी? ओ नहीं नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। Mr. Asif Qureshi, your club is simply outstanding on paper. Well, not only on paper, but ground also. Islamabad Hunters ne abhi tak ek match bhi nahi hara. However, your grandson plays county cricket in England. I know. ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो वहां पढ़ने के साथ साथ काउंटी भी खेलता रहा और आज इस्लामाबाद हंटर्स उसके काउंटी एक्सपीरियंस से फायदा भी उठा रही है। मेरा मतलब ये नहीं था।
अपनी वीकनेसेस की जस्टिफिकेशन हमारी स्ट्रेंथ में मत ढूंढे। लेकिन आपकी टीम में इस्लामाबाद की रूलिंग एलीट क्लास के लड़के खेलते हैं। 95% ऑफ इस्लामाबाद डजंट इवन नो हाउ टू प्ले फॉर योर टीम। अब वक्त आ गया है कि हम अपने इन प्लेयर्स की टूटी फूटी इंग्लिश से जान छुड़ाएं। इसीलिए मैंने एजुकेटेड लोगों की टीम तश्कील दी है। अब ये लड़के अगर नेशनल टीम में हुए तो बगैर किसी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी के ये फॉरेन प्लेयर से बात कर सकेंगे। एक्सक्यूज मी सर। गुड। आई फॉरगॉट टू टेल यू वी आर थ्रोइंग अ पार्टी इन द ऑनर ऑफ आवर यंग प्लेयर्स। वे पैसा ही बड़ा लाता है यार। ये पाकिस्तान है या फिर अमेरिका? ओ यार ये क्या बदतमीजी हो रही है। यार ये क्या बदतमीजी हो रही है। गौर से सुन लो, कोई कुछ पिएगा नहीं। यार वो मोटा जब भी देखो किसी ना किसी औरत को जप्पी डाल के खड़ा होता है यार। एक आदमी का इतना बीवी कैसे हो सकता है? और ये बीवी वाली जप्पी नहीं है। कितने की है भाई? फ्री है सर। और जान दे यार, जान दे कितने फ्री है। मैं फेमस ही बहुत हूँ, क्या करूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे खुद ही आती हैं। ओह दैट्स ट्रू। वड्डा आया हुमायूं सईद। पार्टी हो रही है, पार्टी। ओ कैसी पार्टी यार, लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। ओए अच्छी बात है, और वो बच्ची चक्कर बच्ची। नहीं यार। हेलो। आप कैसी हैं? ठीक। वाह काशी, वो बताया था ना तुझे वो रसाले वाली रिपोर्टर। ओ अच्छा, याद आया। सो कैसी लगी ये पार्टी? पार्टी मैंने तो देखी नहीं, आंखें खुली खुली। ओ जी बस ठीक है। वैसे यहाँ के लोगों के हिसाब से पार्टी काफी अच्छी है, नहीं? ओ जी कभी हमारे साथ पार्टी करे, ओ पूरा सियालकोट झूम रहा होता है। रियली? एक मिनट जाओ। ओ हमारे यहाँ तो 14 अगस्त और सिर्फ चांद रात को ही नाचते हैं, और तू सारा सियालकोट। जी? ओ जी कह रहा है इसने आपसे बड़ी सारी बातें करनी है, लेकिन बेचारे को कभी कल्ले में मौका नहीं मिला ना। काशी के बच्चे, मैंने ऐसा कब कहा? ओ जी ये बड़ा शर्मीला है। ओ स्वीट टू। अलीना मैडम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी। आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? नो। ओ देखा, ओ जी बहुत ताला, आप दोनों बातें करें, मैं भी आया। ओ काशी, काशी। आप सियालकोट के बारे में कुछ बता रहे थे। आप क्या सुनना चाहती हैं सियालकोट के बारे में? आप अपने बारे में कुछ बता दें। मैं सियालकोट के बारे में बता देता हूँ। सियालकोट ना बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मैं सच बोल रहा हूँ। तमाम स्पोर्ट का सामान ना वहीं से जाता है, और वहाँ शुएब मलिक भी है, और तो और सानिया मिर्जा भी वहीं पर है। आप बहुत क्यूट हैं। हैं जी? अरे मियाँ साहब, इनसे मिलिए, ये है सियालकोट की टीम के मालिक मलक खालिद। आपकी टीम से हमारा पहला मैच। हाँ। और ये है सियालकोट के कोच अकबर दी। इनकी टीम को टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स कहा जा रहा है, बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो तो होनी ही थी, इनफैक्ट इसका एक्सपीरियंस काम आया होगा। ओके गाइस, यू कैरी ऑन प्लीज। वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा। छोड़ने की आदत आपके यहां पाई जाती है, मेरे आने किस्मत।
मिले भी तो ऐसी जगह जहां मैं तुमसे खुल के मिल भी नहीं सकता। मुझे इजाजत? मैं नहीं मलिक, कोई जरूरत नहीं है। मियां आसिफ कुरैशी अपनी बेटी का घर तो तबाह करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस क्राउड के सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं। मैं तुम्हें आजी क्या बातें हो रही थी? मियां आसिफ कुरैशी साहब अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि इनका दामाद एक्स क्रिकेटर रह चुका है। ओ रियली? मैं भी कहूं कि उसमें इतना टैलेंट कहां से आया? बाप ही से आया होगा। एक्सक्यूज मी, चलो भाई एंजॉय द पार्टी। थोड़ा पानी दीजिएगा प्लीज। पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूं? कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो। Hey, Sama. Look, even the beggars are here. Beggars in the party. Hey, तुम लोगों के शहर में कोई डांस वास भी होता है कि ऐसे ही उठ के आ गए हो? Dance? They can't even play cricket. Let's go, baby. अंग्रेजा सानू फोन कर चल जान भी दे।
अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर फोन कर अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर फोन कर मुजरा खत्म, चल निकल यहां से। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। गिरेबान छोड़। बिल्कुल। इनफ मिकान, लेट्स गो। आई विल टेक लीव नाउ, बट ये ख्याल रहे आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। प्लीज गुड डे। माय फुट। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमारे खानदान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वैसे तो नहीं पहुंच सकता, अब गली मोहल्लों की टीम बनाकर यहां आ गया है। मैं भी देखता हूं वो लड़के कैसे खेलते हैं। उनको आप तो कुछ नहीं करेंगे। वो टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी टीम लाया है ना, उसका जवाब भी मैं उसको ग्राउंड में दूंगा। टॉस के लिए इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शायन से कप्तान तैयार, और टॉस जीता है इस्लामाबाद हंटर्स से कप्तान मीकाल ने, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो इब्तदाई से राइवलरी दोनों कप्तानों के दरमियान, और बिल्कुल सही कहा शाहिर ने कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, शायद इसीलिए यहां पर मीकाल ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और यहीं से इस मैच की गर्मा गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहला मैच इस टूर्नामेंट का। हेलो, इधर इधर इधर, क्राउड पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये इन लोगों का होम ग्राउंड है, और रात के वाक्य को अपने जहन से निकाल कर खेलना है। हम यहां सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं। मैच की पहली गेंद, और जिस तरह से आगाज किया इसी से ही अजायम का इजहार होता है। पहली गेंद पे चार रन हासिल किए इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने, और ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स से खेले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज स्कोर की जा रही हैं, और बहुत ही मुश्किल में है शाहिद भट्टी सियालकोट शाहिन से कप्तान एक और चौका हासिल किया। वो इसकी स्ट्रेटेजी इस वक्त बिल्कुल भी नाकाम नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स के जो बैट्समैन है होम ग्राउंड और होम क्राउड का पूरी तरह से एडवांटेज उठाने में कामयाब है। कमऑन बॉयज, जो होना था हो गया, घबराने की बात नहीं है, हमें सिर्फ 225 रन पे फोकस करना है। अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। पहले भी कहा कि क्राउड पे ध्यान नहीं देना है, यूं समझो कि हम सियालकोट में खेल रहे हैं। साद, तुम टीम के साथ ओपन करोगे। कोच मुझसे पहले साद को क्यों भेज रहे हैं? तुम बैठ जाओ अभी। कोच समझा करें, अगर शुरू में प्रेशर पड़ गया तो लड़के कैसे बनाएंगे स्कोर। ठीक कह रहा है यार, ठीक कह रहा है। और शुरू के 6 ओवर में तो रन बनाने हमने। मैंने कह दिया है नहीं। कोच प्लीज। और चल यार तू पैडमैन, यार पैडमैन। ठीक है। और चल टीम तू भी पैडमैन यार। सियालकोट शाहिंस के लिए शाहिद भट्टी और शेख इनिंग का आगाज करते हुए बड़ा उम्दा आगाज। पहली गेंद पे उठता हुआ स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे 225 रन चेस करने हैं, और इस किस्म के स्ट्रोक्स खेलना होंगे शाहिद भट्टी को। अगली गेंद, एक और उम्दा स्ट्रोक, फील्डर गेंद को नहीं पहुंच सके, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इम्प्रोवाइजेशन और बाउंड कर दिया।
रात में इजाफा मैं होता पहली क्या के लिए उनके जबरदस्त शायद भट्टी आउट होकर वापस पवेलियन में। नए आने वाले बैट्समैन माइकल, अब देखना ये कि क्या अपने से वाबस्ता तवक्कात को पूरा कर सकेंगे या नहीं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकेटें गिरती जा रही हैं, कदमों का इस्तेमाल, स्टंप का चांस और एक और विकेट हासिल की इस्लामाबाद हंटर्स ने। कोच के चेहरे पे परेशानी, डगआउट में परेशानी, माइकल तमाम तर उम्मीदों का मरकज, सामना करने के लिए तैयार। उठता हुआ स्ट्रोक माइकल की जानिब से और उम्मीदों की शमा रोशन की अपने स्ट्रोक के जरिए, गेंद चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में माइकल कामयाब। डगआउट में खिलाड़ियों ने तारीफ की इस स्ट्रोक की। इस मर्तबा गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया। इस्लामाबाद हंटर्स के बॉलर्स और फील्डर्स दबाव डालते हुए मिकाल हर वो मुमकिन हर बाज बांधते हुए जिससे बैट्समैन पे दबाव पड़ सके। इस मर्तबा अपना बदला लिया और क्रीज पे से हट गए सामने से। डर गया की कोशिश की माइकल ने। एक अच्छी राइवलरी देख के जुड़े, देख के ना सिर्फ ऑन द ग्राउंड बल्कि ऑफ द ग्राउंड भी अंपायर से शिकायत की मौलवी मजीद ने। माइकल खेलने के लिए तैयार, आखिरी विकेट इस वक्त मौजूद है। सलफोर्ड शाइंस की रन लेने की कोशिश, मजीद और माइकल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, रन आउट होने का खतरा और यकीनी तौर पर रन आउट हो जाएंगे। तो इस तरह इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कामयाबी हासिल की। इफ्तिताही मैच अपने नाम किया। माइकल और मौलवी दोनों सर को झुकाए हुए, दोनों जानू इस वक्त पिच पर मौजूद है और इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ी अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए जुबिलेशन सेलिब्रेशन देखी जा सकती है इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ियों के दरमियान। और ये सर को झुकाए हुए एक जानब कहीं खुशी और दूसरी जानब कहीं गम के मनाजिर आप देख सकते हैं। और शक्लें तुम लोगों की देखने वाली थी। और तुम लोग मैच खेलने आए थे या किसी के कुलों पे आई थी है? हम मलक साहब वो खेल गया था रहे थे, इतना स्कोर मारा उन्होंने। हाँ हाँ, तो विकेट छोड़ के खलो जाना सी। वो खाना खराब हर बॉल के लिए उनके पास एक शॉट था, हम क्या करते? तो कह देते ना हमें, हम उनसे कह देते कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। और तुम, बल्कि तू, और तू एक बॉल नहीं पकड़ सका। मलक साहब, क्राउड देना शोर सी, फोकस ही नहीं हो रहा था। और कुड़ियों से फोकस हटता तो बॉलों पे फोकस करता ना। और बैटिंग के टाइम पे क्या हो रहा था दसो? और तुम लोग विकेट ऐसे दे रहे थे जिमें मामा दुआवा दे दिया ने। और मैग्नेट, और तू 20 ओवर पूरे नहीं कर सका, अब बस घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। ओ मलिक साहब, वो लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे। ओ केड़िया गाला करन दे सर। बस कर मलिक। ओ नहीं यार, मेरी सारी जदाद दांत लगी है, मैं तो पंचर हो गया। मैं जानता हूं बड़े मैच का प्रेशर ऐसा ही होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम वेस्टइंडीज में जाकर खेले तो इसका मतलब वो तो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनका सपोर्टिंग क्राउड ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि तुम लोग शाहिद पे बहुत भरोसा करते हो, शाहिद के आउट होते ही तुम लोगों की लाइन लग जाती है, इसीलिए मैं शाहिद को ओपन नहीं करवाना चाहता था। कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं, पूरी टीम से जीता जाता है। हेलो, फोन बंद कर यार तू। मलिक साहब, वो न्यूज पर। और क्या न्यूज पर? मिकाल, इज दैट ट्रू? जी, ऑल्दो ये बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था, मेरे टीम मेंबर्स और मेरे कोच को भी नहीं पता ये बात। मैं उनको इस बात से एसोसिएट नहीं करना चाह रहा था कि वो मेरे फादर की टीम के अगेंस्ट खेले। लेकिन आपने अपने फादर को इस्लामाबाद हंटर्स का कोच क्यों नहीं बनाया? देखिए, अब हमारे उनके साथ कोई लिंक्स नहीं है। जैसा कि कुछ लोग वाकिफ होंगे कि 15 साल पहले उन्हें ड्रग स्कैंडल में पकड़ा गया था। शिराजी साहब, करना पड़ता है, जीत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खास तौर पे जब हारने की आदत ना हो। $5,000 फॉर दिस स्पॉट डन। स्टॉप सर, स्टॉप, छोड़ो कुछ सर, स्टॉप, छोड़ो, करो, आने दो, बात दो, आने दो। चिराजी साहब, एक्सक्यूज मी, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आपने अच्छा नहीं किया। देखो अकबर,
आजकल ऐसी बातें कहां छुपी रहती है? छुपी रहती है अगर आप चाहते तो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किसी तरह तो तुम अपने बेटे के काम आए। एक इंटरव्यू ने, सिर्फ एक इंटरव्यू ने उसे इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया है। सबकी नजरें मिकाल पर हैं। आज के न्यूज़पेपर में उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं। मीडिया इज लविंग हिम एंड ही इज लविंग द अटेंशन। वो मेरा बेटा है, आपकी बिसात का कोई मोहरा नहीं। सही कहा, अगर मोहरा होता तो कब का तुम्हारी तरह उठा के बाहर फेंक चुका होता। मैं? तुम नहीं, मैं। तुमने जो करना था 15 साल पहले कर चुके। अब मेरी बारी है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और ये घटिया आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं ये गेम हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। बहुत खेल लिया गली मोहल्ले वालों ने, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। ये गेम इसलिए नहीं बना था कि तुम जैसे सड़क छाप इसमें गंद मारे। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ख्याल में मैं इस टीम पर यूं ही पैसा लगा रहा हूं? इस टूर्नामेंट के बाद ये टीम इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ लीग मैचेस खेल रही होगी। 5 साल के अंदर मैं इस टीम को पाकिस्तानी टीम से बड़ा स्टार बना दूंगा, और 5 साल बाद इस टीम के लड़के तुम्हें पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी इन 65 सालों में पाकिस्तान की गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज तो दूर कर दी गई है सिवाय क्रिकेट के। अब वक्त आ गया कि यह भी उनकी पहुंच से दूर कर दी जाए। तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे? हाँ, तुम या तुम्हारी सड़क छाप टीम? कहां से लाओगे ऐसी फैसिलिटीज, टैलेंटेड प्लेयर्स, पैसा, फॉरेन कोचेस? इस्लामाबाद हंटर इज अनबीटेबल। हमसे तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं बनता। इस टूर्नामेंट के शुरू में मैंने भी एक मां से यही सवाल किया था। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? दूसरों के पास चाहे दुनिया की हर चीज हो, लेकिन वो जान नमाज पे गिड़गिड़ाती मां की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती। हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। अगर आज तुम लोग हार भी जाओ तो कम से कम ऐसे हारना कि एक दूसरे से आंखें मिला सको, क्योंकि आज हार तुम 11 लोगों की नहीं होगी, सियालकोट के 10 लाख लोगों की होगी। अम्मी जी, तेरे लिए तो मैं अपने आधा मान तोड़े हैं बेख्यार, तू मेरा मान न तोड़े। Thank you.
किया क्या डॉक्टर साहब ने? अब्बा जी वो कहता है दिल का मामूली सा दौरा था और हम लोग तमा समझते रहे। डॉक्टर कहता है दिल की नालियां भी बंद है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, वो अम्मी जी के ऑपरेशन के पैसे कहां से आएंगे? पैसों के बारे च फैक्ट्री वाले ने गल की थी मैनेजर से बात अब्बा जी, वो कहता है 50-60 हज़ार तो दे सकते हैं, पर अब्बा जी डॉक्टर कहता है 7-8 लाख का खर्चा है। 7-8 लाख? अभी अभी खबर मिली है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में इस्लामाबाद हंटर्स ने कराची लायंस को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। Come on now, cheer up. देख लेना, तुम वापस फॉर्म में आ जाओगे। पिछले 3 मैचों से यही कोशिश कर रहा हूँ, मगर बॉल है कि बैट पे मिडल ही नहीं होती है। और शायद कोच बुला रहे हैं यार। आता हूँ 2 मिनट। देखो फेसबुक पे मैंने तुम्हारा फैन पेज बनाया है, इतने सारे फैंस हैं अभी से, देखो। क्या फायदा, मुझसे ज्यादा फैंस तो निकाल के होंगे। तो हु केयर्स, मैं तो उसकी फैन नहीं हूं ना। क्यों? अमीर है, खूबसूरत है, पैसा है उसके पास। और वैसे शायद कोच बुला रहे हैं यार। उससे बोलो रुक जाए, क्या मौत पड़ी है टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलना, ये मौत पड़ी है। ये मत भूलें कि हम यहां टूर्नामेंट खेलने आए हैं। लाहौर की टीम पिछले 3 साल से फैल्कन ट्रॉफी जीत रही है, उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है, उनके 2 खिलाड़ी अंडर-19 क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसलिए अगर हमें यह मैच जीतना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ। कोच मैं तो सिर्फ, मैं नहीं सुनना चाहता कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा। वो बेचारी तो क्या बेचारी, हाँ ऐसी बेचारियां तुम्हें बहुत मिलेंगी आगे, पहले वो कर लो जो करने आए हो। इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई है। फिर तो आप शुक्र करें। क्या बोला? क्या बोला यार? छठ यार की होगी। एक मिनट, क्या शुक्र करूं? पिछले 2 महीने से कुत्ते की तरह रात दिन एक कर रहा हूं मैं, और उस टीम के जीतने पे शुक्र करूं मैं? साला उस टीम का बाप लगता हूं मैं जो शुक्र करूं? उस टीम के कप्तान के तो लगते हैं ना। क्या बोला? कोच कॉलर छोड़े। और छोड़ दे अकबर। कॉलर छोड़े कोच। मेरी नियत पे शक किया तुमने? हाँ अगर इतनी नियत साफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया कि वो आपका बेटा है? और ये क्यों नहीं बताया कि 15 साल पहले आपको चौरसी और जानी होने की वजह से टीम से निकाल दिया गया था? अकबर, हर मैच के बाद मेरी परफॉर्मेंस की बजा रहे होते हो और अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते। ओ यार एक मिनट समझ कर रहो, जो कर खानदान का नहीं होता हमारा क्या होगा? नहीं खेलने मेरे क्रिकेट से खेल ले लग गए बेटा, छोड़ मुझे मार दे। चल अंदर बाहर चल, निकालो इसे, बस कर दे यार। वो डर है, वो चुप जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। वड्डा अपने आप नु समझता पिया है, छड्डा यार बस। मैं कह दिया ये तो बाहर है टीम से, और तुम में से भी अगर किसी के यही ख्याल आते ना तो दफा हो जाओ यहाँ से अभी, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूँ। यार की करे क्या हो? अकबर वो सारी टीम का कप्तान है ना यार। कैप्टन था है नहीं, टीन अब से तुम कैप्टन हो, टॉस की तैयारी करो। पता नहीं की हो इंडिया सब बकवास।
Gil Lahore Thunders. Amateurs out of the mic. What a performance. Can't really blame these people, can you? You should never have put so much hope in their hearts. It's wrong of you. They never amount to anything but street players. Enjoy your life in Sialkot. Just one more thing. What is it you Muslims say amongst each other again? Mere liye Allah hi kafi hai. Kaha hai tumhara Allah. शुरू हुए और इस बारिश के जरिए मौका मिल गया है सियालकोट जायंट्स को कि इस मैच में कमबैक कर सके, क्योंकि बैटिंग करते हुए उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा खराब थी और डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत अब एक ओवर में 13 रन स्कोर करने हैं लाहौर थंडर्स की टीम को। और क्या काशिफ उर्फ काली आंधी सियालकोट जायंट्स के लिए ये रन सेव कर सकेंगे या नहीं? पहली गेंद करने के लिए तैयार काशिफ आए। ऑन साइड पर बैट्समैन ने खेला आसानी के साथ, एक रन चहलकदमी के अंदाज में मुकम्मल किया और दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन ने वापस क्रीज में लौटने पे मजबूर कर दिया साथ ही बैट्समैन को। एक दफा फिर आया शॉर्ट बॉल, गेंद की लाइन को मिस किया और टेंशन मुसलसल बढ़ते हुए दोनों टीमों के डगआउट में। और इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक के लिए फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद दो फील्डर्स को बीट करने के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अब 3 गेंदों पर 8 रन दरकार। एक और शॉर्ट बॉल उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पर फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अब 2 गेंदों पर 4 रन दरकार हैं। देखना यह है लॉर्ड थंडर्स इस मैच में इन 2 गेंदों पर 4 रन स्कोर कर सकेगी या नहीं। एक और शॉट इस मरतबा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, तो 2 रन का यकीनी तौर पर स्कोर में इजाफा हुआ। तो अब क्या काशिफ और काली आंधी इन 2 रन को सेव कर सकेंगे या नहीं, या बैट्समैन राणा जावेद मीदाद की तरह आखिरी गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच होता हुआ लाहौर थंडर्स के सपोर्टर लाहौर की टीम को सपोर्ट करते हुए। काशिफ बॉलिंग के निशान पे तैयार, तमाम तर टेंशन इस वक्त ग्राउंड में मौजूद और आसमान की जानिब दिखा है काशिफ की जानिब से। आखिरी गेंद, इस गेंद पर फैसला होगा इस मैच के नतीजे का। ना मेरा पुत्र ना, तू ते अपनी मां भैन का फखर है। ओए, तेरे सहारे ते ते ओ जिंदा ने, मगर मैं ते उन्हां दा एक ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकिया। मेरे पुत्र दे सारे ख्वाब पूरे होणगे, कुछ नहीं हुंदा तेरी मां नूं। ओए चलिया।
ओए हाले ते तेरी मां नाल मैं बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने। आहो मगर मैंने पै कितो शायद घबराना अज तेरी मां दी खातर तेरे प्यो नू अपना आप भी बेचना पिया ते वेच देगा। पर तू फिक्र ना करी पुत्र, जेड़े रब ने तेनू इथों तक लिया ना वो पार भी कराएगा। पजी ओ मेरा पुत्र। सही कह रहे हैं बट्टी साहब। कोच, स्टेडियम के बाहर चाहे मेरा एक बेटा हो लेकिन उसके अंदर मेरे 11 बेटे। Mr. Nick, you have been very confident of your team. Of course, Simon. You can't really blame us for that now, can you? But as we know, cricket is by... Look, mate. I have every confidence in the world that tomorrow's match will be like every other match we played this season, okay? And results will be the same as you have seen in the past matches. But Sialkot Shines is very up. Look, I don't know who is up and who is not. I only know that my team is on top. And it will remain. Shahid? आपको आपकी टीम में शायद आफरीदी भी कहा जाता है लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। जी मुझे मालूम है। वैसे आपके कोच से आपको कुछ टिप्स मिले? जी यही कि कोशिश किया करो कि हर बॉल में डलो और नशा करके गेम खेलने के बारे में नहीं बताया। आप लोगों को तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इस किस्म के रेपुटेशन के कोच के साथ इन लोगों को और सीखने को क्या क्या मिला। क्या मतलब है तुम्हारा? तुझसे बात नहीं कर रहा हूं लेकिन ये तो आपके वालिद हैं। व्हाटएवर, मेरा इस किस्म के आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। खामोश मिकल, चुप, उंगली नीचे रख के बात करें। देखो मैं जैसा भी हूं मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं। फिलहाल उसी के बनिए जिसके साथ बैठे हुए हैं और क्या पता उस क्लब डांसर की तरह इसकी फर्क सिर्फ इतना है कि अभी पकड़े नहीं गए होंगे। लकी है तेरी मां। चुप ओए। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाइंस के कप्तान एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। लोगों का ये कहना है कि दोनों खिलाड़ी क्रिकेट पर एक बदनुमा दाग हैं। अब ये सड़क छाप टीम मियां आसिफ कुरैशी की टीम से जंग लड़ेगी। ये दो टके का आदमी He wants to bring me down. I'll teach him a lesson. Nothing like that is happening. Tomorrow night we're gonna lift that cup and ask for the Yagba guy. When has he ever created a problem for you? Tum sale gore logon ko सही वक्त पर सही बात करने आती है। 15 साल पहले उसने मेरा क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ेगा। बड़ा राइजिंग स्टार बना फिरता था लेकिन नेक उसे एक जर्ब लगाना बहुत जरूरी है। उसे ऐसी चोट पहुंचाओ जिसकी तकलीफ मुझे कल स्टेडियम में नजर आए। Who do you want to choose from the team? If I was to choose someone, I'd choose it someone that they couldn't replace.
I go for the wicket keeper, Michael Magnett. Wow. I like it. Right. Cheers. Hello, Akbar. Michael कहाँ? Taxi! ओ taxi और रुक जा भाई। माइकल क्या हुआ इन्हें? सर काफी इंजर्ड है, खून बहुत ज्यादा हो गया। इनको सीधा ओटी में लेके जाएं और आई विल लाइन मेंटेन करें। अकबर क्या हुआ? माइकल को कुछ लोगों ने मारा है बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड। वैसे तो इनके लेफ्ट हैंड में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन इनका जख्म गहरा होने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि बहुत रेयर है। डॉक्टर साहब, इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस फौरन खून का इंतजाम कीजिए। आपने जो सैंपल्स दिए थे उनमें से कोई भी ओ नेगेटिव नहीं, लेकिन तीन चार लड़के और भी हैं। तो प्लीज बुलवाएं उनको, बल्कि आप पहले उनसे मालूम करें अगर किसी का ओ नेगेटिव हो तो। वक्त बहुत कम है, प्लीज। की कह रहे हैं डॉक्टर? ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, सैंपल्स भी मैच नहीं हुए। तुम में से है किसी का ओ नेगेटिव ग्रुप? तीन साथ कहां से लाऊं मैं ओ नेगेटिव? कोच, हमारा ओ नेगेटिव मौलवी, तू तो मजहब एक नहीं है तो क्या हुआ? बनाया तो अल्लाह पाक नहीं है ना?
जितना खून निकालना निकाल लो कोच खाना, लेकिन उसका जान बचना चाहिए। शाबाश। बच्चे को होश आ गया है, आप में से जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो मिल सकते हैं। ओ शुक्र है मालका। सिर्फ घर वाले जा सकते हैं। भाई है हमारा अपना आएगा अपना भाई है भाई है अपना ओए भाई है प्राय भाई आएगा सक्का प्राय। मैं फाइनल खेलूंगा ना कोच, मुझे फाइनल खिलाना कोच। मुझे फाइनल खिलाना मलिक साहब, मुझे फाइनल खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाएं। मलिक साहब मुझे मैच खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाना। कप्तान ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ओ यार अकबर तेरा क्या कसूर है? वो जिसने ये हरकत करवाई है असल खबीसु नसल तो वो है। अकबर यार अल्लाह सब ठीक कर देगा। है? मैं क्या करूं मलिक, बीवी बेटा करियर सब कुछ छिन गया मुझसे, और क्या क्या कुर्बानियां दूं अब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है। यही कि मैं गरीब था या यही कि मैं इन गरीबों का साथ दे रहा हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं। ओ यार अकबर जब इतने सारे सवालात हो ना तो एक ही जगह से जवाब आता। यही है वो जगह, यही है। 15 साल से एक ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं, पर इतना इम्तिहान क्यों? अगर इसी मुकाम पे लाना था तो फिर इन बच्चों के साथ क्यों खड़ा किया? मुझ में मजीद इम्तिहान की हिम्मत नहीं है, इस इम्तिहान को खत्म कर दे। इतना भी गुनाहगार तो नहीं हूं ना मैं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जानता हूं बेटे, मैं जानता हूं। कौन कहता है कि अल्लाह सिर्फ अपने गुनाहगार बंदों का इम्तिहान लेता है? मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। मुझे माफ कर दो बेटो, मुझे माफ कर दो। अब्बा मैं नहीं जानता आज रात के बाद हमारी जिंदगियां कैसी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर तो शायद इस खेल से जुड़े भी ना रहे। कौन जाने हमारी किस्मत ने हमारे लिए किस मंजिल का तायुन किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज हमारी मंजिल सिर्फ एक है। जीत हमारे कदम चूमे ना चूमे, लेकिन आज हम हारेंगे नहीं। आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम हिंदू या ईसाई नहीं,
इस मुल्क का गरीब उतरेगा। हर वो गरीब जिसके सर पे चाहे छत हो या ना हो लेकिन दिल में ईमान जरूर है। खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है लेकिन ईमान को नहीं। इसलिए कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने कहा था कि हार के लफ्ज से मेरी आशनाई नहीं। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने ईमान की ताकत से एक हुजूम को एक कौम बना दिया था। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने शिकस्त को भी शिकस्त फाश दी। तुम आज नहीं हारोगे, कसम खाओ कि तुम नहीं हारोगे, आज तुम नहीं हारोगे। Do you think it will work? Just you watch a whole lot of talent get taken over by a little bit of science. कोर्ट से ताल्लुक रखने वाली ये टीम बॉलिंग करने जा रही है। आ गया, आ गया। चले आ जा, आ जा, आ जा। ठीक है, और कोशिश करने के बॉल मिडिल। शैतान। ओवर अंप कराने दो यार। वो यार खान कोच ने क्या सी दूजा अंड तू संभाल लेगा यार। सही तो कह रहे। वो यार तुमको दोस्ती का वास्ता यार ये ओवर अंप को कराने दो। दे दे काशी, दे दे। शाबाश, शाबाश, शाबाश। मजीद मौलवी पहला गेंद करने आए हैं, जोर से भागते हुए। देखते हैं कि पहला गेंद वो क्या करते हैं। पहला ही बॉल बाउंसर और बैट्समैन जमीन के ऊपर। व्हाट अ बॉल! और गुस्से से घूरते हुए मौलवी मजीद मार ना छोड़े। मजीद मौलवी गेंद करने आ रहे हैं, दूसरा गेंद है उनका। उन्होंने गुस्से से बैट्समैन की तरफ देखा, भागे। देखते हैं ये कौन सा गेंद करते हैं। गेंद की बैट पे गेंद लगी, जोरदार। लगता है कि वो आउट है, मगर ये क्या। मौलवी मजीद सबको कह रहे हैं खामोश रहो। ये अपील क्यों नहीं कर रहा यार? अभी हम नो बॉल करा के तेरा सर पड़ेगा। बच गया तो फ्री हिट ले लेना। मौलवी मजीद तीसरा गेंद करने आए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है बैट्समैन कांपते हुए। मजीद मौलवी आए गेंद की और बॉल कर दिया। बहुत ही अच्छा बॉल विकेटों के दरमियान। जिया साहब व्हाट अ स्टार्ट। पठान को बेवकूफ समझते हैं। ओए क्या बात है बॉल। शाहिद भट्टी बॉल कराने आए, कप्तान है। राउंड द विकेट गेंद करेंगे। विकेट की पर तैयार। आए गेंद की मिस कर दिया माइकल मैग्नेट ने। व्हाट अ मिस। मैग्नेट को पहले ही चोट लगी हुई है, शायद यही वजह है कि उनके हाथ में गेंद नहीं आई। फ्लिक किया स्क्वेयर की तरफ, मिस फील्ड और चार रन। बॉल की बॉलर ने गेंद की स्क्वायर कट, जबरदस्त किस्म का फ्लिक। 203 रन बनाना है सियालकोट शाहीन की टीम को। इस्लामाबाद हंटर्स की शानदार बल्लेबाजी। 203 रन का हदफ सियालकोट शाहीन के। बॉल की रिटर्न शॉट, कैच छूट गया। जोरदार हिट और पुल शॉट। और सिकंदर यहां आया, इनका पहला ओवर तो खत्म हो गया। और अब देखना यह है कि कप्तान निकाल अगले ओवर के लिए किसको लेकर आते हैं। ढका उससे कोई इशारा कोच का, वो क्या कह रहे हैं। मिकाल खुश नहीं है इस बात पर। लगता है कि कोई नए बॉलर की तरफ इशारा किया जा रहा है। और बॉलर आ गए हैं फहद। बॉल कराओ और ये बताओ कि फील्ड क्या सेट करनी है। जो फील्ड है वही रहने दो। जिस हिसाब से बॉलिंग कराओगे उस हिसाब से फील्ड सेट करनी पड़ेगी। बस कीपर से कहो 4 फीट पीछे हो जाए।
बैट्समैन ने स्टांस लिया, दौड़ना शुरू किया उन्होंने। फहद इस मैच में क्या करेंगे? 153.9, what a ball! शोएब अख्तर का प्राग तो आ गया। फहद अपना दूसरा गेंद करने आ रहे हैं, देखते हैं कि पहला गेंद तो बहुत तेज किया था, दूसरा गेंद कितना तेज करते हैं। वाओ, व्हाट अ बॉल, इतना तेज बॉल की स्पीड इतनी थी कि बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां से गई। और फहद अगली गेंद करने के लिए तैयार, तमाशाइयों का जोश उरूज पर। फहद ने गेंद की और सात बोल्ड हो गए, मिडिल स्टंप दो छक्का। और यूं लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स ने फिर सियालकोट शाहींस के पर उतर दिए। और ये फहद का जज्बाती अंदाज, बैट्समैन को कहा पवेलियन वापस जाओ। और लंबी डाइव, बेहतरीन रनिंग और रन आउट मिस। खूबसूरत डग आउट की तरफ हेलमेट का इशारा। कवर ड्राइव्स, क्विक कट, बहुत अच्छी रनिंग, बोल्ड, बेहतरीन डिफेंस, खूबसूरत शॉट, एक और बोल्ड। नवाजिश तुम जाओगे। कोच क्या हो गया? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बैठ जाओ आराम से। ओ अकबर यार, पांच खिलाड़ी आउट हो गए, की करें? मुझे किसी भी तरह ये पांच गेंदे गुजारनी है, ठीक है? सुनो, कुछ भी हो जाए ये पांच गेंदे खेलनी है तुमने, समझे? जान क्यों निकली हुई है? जाओ, कम ऑन, घबराओ नहीं। नवाजिश संभाल के, शाबाश शाबाश। और सिकंदर, यहाँ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है सियालकोट शाहीन ने, और फहद जो तबाही फेर रहे हैं उनके आगे एक और बैट्समैन को भेजने के बजाय एक नॉन रेगुलर बैट्समैन आया है। देखिए फहद क्या करते हैं इस बार। और ये बोल्टो सीधा जिस्म पे लगा। यार नवाजिश नीचे गिर गए। नवाजिश नवाजिश जल्दी आ, जल्दी जल्दी, चोट लगी है उसे, देख के आओ। इसकी तो कोच, अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मना किया, तुम बैठ जाओ आराम से। कोच वो हमारे सर पे सर फाड़ रहे हो और आप कहते हैं बैठे रहो। जो भी कर रहे हैं मैंने तुम मना किया है ना, पर लड़न डे हो, जिन्हें जाना सी चला भी गया। देखे शाइन का एक और सरप्राइज, और हम मजीद बॉल भी बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। तेज तूफानी फहद, मजीद बॉल भी ना, बल्ला घुमाया और गेंद हवा में। एक बार फिर मैच में ट्विस्ट, ये तुम्हारा पापा के लिए। बॉलर के गुस्से पर बैट्समैन का गुस्सा हावी दिखाई देता है। कवर ड्राइव, फुल टॉस, सरों के ऊपर से ड्रेसिंग रूम में। जो लेके आओ ये तुम्हारा मामा के लिए। जज्बात उरूज पर, क्रिकेट जंग में बदल गई है, गुस्सा गुस्सा हो गए हैं। और गेंद इस बार मजीद बॉल के पल्ले पर नहीं आए, और इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद तीन गेंदों पहले की जा रही थी। शायद अब तुम जाओ और हुक नहीं करना। कोच अब मैच में रही क्या गया? 106 रन्स, जब शायद अफरीदी 37 गेंदों पे सेंचुरी बना सकता है, तुम्हारे पास तो 54 बॉल्स हैं। जाओ। अब नए आने वाले बैट्समैन हैं सियालकोट शाहीन के कप्तान शाहिद, पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाता हुआ। बहुत ही जारहाना बैटिंग है शाहिद की, और इस दफा रन आउट का खतरा। भागे बॉलर बीच में आ गए और यहाँ रन आउट हो गए। ओके बकवास है यार, सियालकोट शाहीन को एक और सदमा। ये बहुत गलत हुआ है, इसलिए कि शेख बहुत देर से खेल रहे थे। ये बहुत बुरा हुआ है, लगता यह है कि बैट्समैन ने बिल्कुल नहीं देखा बॉलर को, और बॉलर पता नहीं चला, दोनों आपस में टकरा गए। और शाहिद पट्टी फिर चल पड़े, शॉट लग रहे हैं, रन कम हो रहे हैं, हर गेंद पर रन बन रहे हैं। शाहिद पट्टी के उमदा शॉट, हमीद ने सीधा खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में और वो आउट हो गए। संभाल के काशी, इंतहाई गैर जिम्मेदारी, काशिफ कालिया दिया आउट। नए आने वाले बैट्समैन है माइकल मैग्नेट, और साथ देंगे वो अपने कप्तान का हाथ, उनका पहले ही इंजर्ड है। सियालकोट के लिए हालात गंभीर, 7 गेंदे 22 रन और सिर्फ एक विकेट इस्लामाबाद हंटर्स को। माइकल यार तू, ओ ये देख, बैट उठा सकता हूँ मैं,
और हमारे लिए कितनी कुर्बानी देगा। अगर आज पीछे हट गया ना शायद, तो आइंदा कभी किसी की माँ अपने बच्चे को ख्वाब नहीं दिखाएगी। चल जा शाबाश। माइकल मैग्नेट ने सिर्फ रोकना है, इसलिए कि 6 बॉलें अगर शाहिद भट्टी को मिलती हैं, तो शाहिद भट्टी जो हैं, वो ये मैच जिता भी सकते हैं। बाप का हैट्रिक बॉल सीधा माइकल के जिस्म पर। माइकल, 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 तू ठीक तो है ना? हाँ, टूटे हुए को और क्या तोड़ेंगे यार। इसका ओवर खत्म हो गया ना, बस यही करने आया था मैं। मगर तेरे तो खून निकल रहा है। मैं चुप, एम्पायर को पता चल जाएगा। उठा मुझे। अच्छा उठ उठ, शाबाश। और अब सियालकोट शाहीन के लिए सूरत हाल को जिस तरह 6 गेंदे बाकी, 22 रन और 1 विकेट सियालकोट शाहीन के पास। और अच्छी खबर उनके लिए ये कि कप्तान शाहिद भट्टी के पास स्ट्राइक। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल गेंद की योग करना चाहते थे, कोई रन नहीं बनेगा, 1 गेंद जाया हो गई। मिकाल की अगली गेंद शाहिद भट्टी के बल्ले पर हवा में और गेंद बाउंड्री के बाहर। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही खूबसूरत शॉट। और मिकाल की अगली गेंद शॉट गेंद शाहिद भट्टी ने छोड़ दिया। अंपायर अपनी जगह खामोश खड़े हैं। हैरान कुन तौर पर, मुझे हैरत है, बैट्समैन ने भी इशारा किया मगर अंपायर ने कहा कि नहीं, ये वाइट बॉल नहीं है। खरीद लिया इन्होंने। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल एक बार फिर, और इस ओवर में ये दूसरा छक्का होगा। अब कोई चांस नहीं है, 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, बड़े छक्के लगने हैं, या तो चौका या छक्का, इसके अलावा कोई चारा नहीं। कम ऑन, 2 गेंदे 10 रन। मिकाल की अगली गेंद को कवर में खेला है शाहिद भट्टी और 4 रन हो गए। Idiot! आपने देखा, उन्होंने थोड़ी सी जगह दी, रूम दिया और उन्होंने कट खेला 4 रन के लिए। फील्डर को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का। आखिरी गेंद, अगर मगर का खेल खत्म। इस्लामाबाद हंटर्स को 1 विकेट, सियालकोट शाहीन्स को 6 रन। You were supposed to be my dad, not theirs. अब क्या है मेरे पास? हाँ, मैं बाप हूँ तुम्हारा। I love you, my son. I love you. I love you. हौसला ना घटे आखरी पल तलक, तेरी आँखों में है वो चमक, सोच ले सिलेक्टर्स जा चुके हैं, कल फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। कोच आप रोज ही ऐसा बोलते हैं। तो तुम हो सियालकोट के शाहिद आफरीदी? जी मैं। जो जात तुम्हें यहाँ तक लेके आई है, वही जात तुम्हें आगे पहुँचाएगी, 3 मैचेस में चांस मिले या 300 में। लेकिन इस सब्ज यूनिफॉर्म को पहनने के बाद
पिच पर किसी एक शहर का अफरीदी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का शाहिद खड़ा होना चाहिए। I'm sorry, but you can't catch up.